बीसीसीएल 2023 वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी तक वेट कर रहे थे कि सर लिंक कब एक्टिवेट होगा, लिंक कब एक्टिवेट होगा, क्योंकि काउंसलिंग का डेट तो आज से ही दिया गया है, चॉइस फिलिंग का डेट तो आज से ही दिया गया है, तो वो आपके इंतजार की घड़ी खत्म होती है। और जो है कि बीसीसीएल 2023 ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग का पोर्टल जो है कि एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आपको किस तरीके से वहां पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, बीसीसीई बोर्ड के साइट को ओपन कीजिएगा, वहां पे देखिएगा दो नंबर पे जो है कि आपको बीसीसी यानी कि बीसीसीएल 2023 ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है कि थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद नीचे में आ जाएगा क्लिक हेयर फॉर बीसीसीएल काउंसलिंग का, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सब आएगा, तो उसको आप क्या करना, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, ऊपर जो ही कीजिएगा त्यों ही आ जाएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन में जो जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो चीज मांग रहा है उसको वहां पर दीजिएगा। देने के बाद जो है कि उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे हो सकता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद जो है कि आप फिर से लॉग इन करके अकाउंट में जाके उसके बाद आप अपने च्वाइस फिलिंग को कर सकते हैं। तो ये हो गई कि आपको जानकारी दे दी। अब जो है कि यहाँ पर आपको समझदारी दिखाने की वक्त आ गई है, क्योंकि इतने दिनों से, अभी कुछ देर पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, इसमें हमेशा मैं जिक्र करता हूँ कि बउआ टॉप कॉलेज से यानी कि ऊपर से लेके नीचे की ओर भरना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो देखिए इंसान की जो चाहते होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, लेवल जो है ना ऊपर की ओर बढ़ते जाती है। अगर आपको एक मंजिल का घर, जैसे कि मानिए अगर एक मंजिल घर है, तो आप क्या चाहिएगा, धीरे धीरे जो है ना चाहत बढ़ते रहती है, तो आपका मन क्या करेगा जानते हैं, जब शुरुआत से थोड़ा सा बैकअप जाइए, अपने माइंड को रिमाइंड कीजिए, जिस वक्त आप जो है ना किसी सेमेस्टर में होंगे या जो पास आउट है, तो जिस वक्त आप बीसीसीएल का फॉर्म भर रहे होंगे, उससे पहले आप क्या सोचेंगे, नहीं इस बार जो है ना बहुत जोरदार मेहनत करेंगे, मेहनत करने के बाद जो है कि अच्छा रैंक लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो ही आपके एग्जाम नजदीक आया होगा, उसके बाद आपके मन में क्या चलोगा, हे भगवान हम किसी तरह पास कर जाएं, दैट इज रियलिटी। ठीक है, उसके बाद आप पास कर गए होंगे, पास करने के बाद आप अपना रैंक देखें, रैंक देखने के बाद अब आपके मन में क्या चाहते हुआ, ओ अच्छा इतना रैंक आया, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो अच्छा रैंक आ जाता, लेकिन अब आपके मन में क्या होगा जानते हैं, अब आपके मन में होगा चलो पास कर लिए, अब जो है ना अभी जब आप ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग करेंगे तो उसके मन में रहेगा क्या कि फर्स्ट राउंड में हे भगवान हमको कोई भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, लेकिन रियलिटी बताते हैं, जब फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा ना, उसके बाद आप क्या सोचिएगा जानते हैं, जिस तरह अगर मानिए आपका जो है ना, आप अगर दो नंबर भी कॉलेज आपका सिलेक्ट होता है ना, तो उस समय अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के समय आप कहिएगा थोड़ा सा परेशानी ही होगा ना, क्या होगा, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे, लेकिन ऑटो अपग्रेडेशन में यस कर देते हैं कहीं एक नंबर कॉलेज मिल जाए। ठीक है, पहले क्या चाहती कि कोई भी कॉलेज मिलेगा तो चलेगा, लेकिन जब फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उस वक्त आपकी चाहते बदल जाएगी कि काश जो है ना अगर दो नंबर भी कॉलेज मिला, एक नंबर कॉलेज मिल जाता ना, तो हमें जो है कि ज्यादा अच्छा रहता, यानी कि आपको अंतिम अंतिम फेज तक जो सिचुएशन होगा क्या सोचेगा, अच्छा चूंकि देखिए जब फर्स्ट राउंड का नाम अगर आपका आ जाएगा, वहां पर ऑटो अपग्रेडेशन में यस कीजिएगा, फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जहां पर रिपोर्टिंग सेंटर दिया रहेगा वहां जाना पड़ेगा, लेकिन आपको उस समय क्या हो जाएगा, यस किए हुए रहिएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, और वहां से जो है ना लिस्ट मिल जाएगा क्या चीज का, यानी कि हमने जो है कि वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगा कि हमने वेरीफाई करवा लिया है। लेकिन सेकेंड राउंड में कि जब जो है सेकेंड राउंड का, तब देखिएगा कि कौन सा कॉलेज मिला, अगर दूसरा कॉलेज मिला तो फिर से आपको दूसरे कॉलेज में जाके वही वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना पड़ेगा और जो है कि एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो लोग जैसे कि फर्स्ट राउंड कॉलेज मिला और संतुष्ट हो गए, उसमें नो करेंगे, तो वो क्या करिएगा, डायरेक्टली जो है कि उनका जाके एडमिशन करवा लीजिएगा। तो यही चीज अभी आप पेपर में देखे होंगे कि जो है कि फर्स्ट राउंड में 60 बच्चे का एडमिशन हुआ, आखिर ऐसा क्यों होता है, बस यही चीज चाहते को लेकर जो है ना,
कि फर्स्ट राउंड में कम एडमिशन होता और सेकंड राउंड में जो है कि चूंकि सेकंड राउंड इज द लास्ट तो वहां पर जो है कि एडमिशन जो है कि बच्चे को करवाना पड़ता है। तो यही चीज है, इसलिए जिक्र करते हैं हम कि बउआ हमेशा चूंकि आपकी चाहते जो होगी ऊपर की ओर बढ़ेगी ना कि नीचे की ओर बढ़ेगी, इसलिए बोलते हैं हमेशा टॉप से कॉलेज डालना शुरू कीजिएगा। आपको जो है कि जब सीट मैट्रिक्स आया था उसमें से एक नंबर दो नंबर तीन नंबर करके दिया हुआ था, 38 कॉलेज हैं और ध्यान दीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट जो कि 38 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हमने आपको अच्छे से बता भी दिया है। इसलिए आपको अभी धरफराइए नहीं, अच्छे तरीके से बैठ के लिस्ट बना लीजिए कॉलेज का कि आपको किस किस तरीके से कॉलेज देना है और मेरे अनुसार जो है कि टॉप रैंक से शुरू कीजिएगा, तब जाके चूंकि आपकी चाहते मन का मैं जानता हूं, चूंकि पढ़ाते हुए हमें 2020 पढ़ाया, 21 पढ़ाया, 22 पढ़ाया, 23 पढ़ाया, कहीं ना कहीं 4 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गया है BCCL वालों का। जो जो मन में सवाल आता है सारे सवाल को आपके सामने में रखते हैं, चूंकि उनकी भी चाहते बदलती गई थी, हो सकता है कि आपकी भी चाहते बदलेगी ही बदलेगी, ऑटोमेटिक है कि हर एक बच्चा चाहता है हम जो है कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। तो इसलिए आप अपना समझदारी दिखाइएगा। हाँ, एक कॉलेज में जो है कि आप जो है कि एक से ज्यादा भी ब्रांच डाल सकते हैं, लेकिन जो ब्रांच आप डालिएगा, जैसे कि मानिए कि हमने मैकेनिकल से किया है डिप्लोमा और मेरा 100% हम मूड बना लिए हैं कि हमें जो है कि बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करना है, तो पहले 1 से लेकर 38 तक जो है कि हम कॉलेज डाल देंगे मैकेनिकल का। उसके बाद मन बदला कि नहीं है वो मैकेनिकल नहीं मिलेगा ना, हमको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा तो चलेगा, उसके बाद मैकेनिकल के बाद हम कंप्यूटर साइंस वाले कॉलेज को डाल सकते हैं। बाकी जो है कि आप स्वतंत्र हैं, आप समझदार हैं, आप अच्छे तरीके से काउंसलिंग को यानी कि च्वाइस फिलिंग को कीजिएगा और अपने फर्स्ट राउंड में आपका नाम आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोई भी बच्चे अगर च्वाइस फिलिंग अच्छे से कर लेते हैं तो थोड़ा एक बार हमें प्रोसेस जो है कि बता दीजिएगा कॉल करके या व्हाट्सएप पर स्ट्रिप लिख के भेज दीजिएगा, ताकि बच्चे को हम बता दें तो बच्चे को सहूलियत हो फॉर्म यानी च्वाइस फिलिंग करने में, क्योंकि हर एक बच्चे का दिमाग अलग अलग तरीके का होता है। बाकी जय हिंद।